सहायक शिक्षकों का आंदोलन जारी है, लेकिन इस आंदोलन के बीच में कुछ अवरोध भी आ रहे हैं। जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे लोग, ये वो लोग हैं जो कुछ देर पहले सरकार के साथ वार्ता करने गए थे और उसके बाद कल एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप पर विवाद का बम फूटा कि सारे लोग कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ गए। सवालों का हम जवाब इसलिए लेना चाह रहे हैं ताकि ये स्पष्ट हो सके कि जो बातें वाकई में जो मीडिया में एक विवाद के स्वरूप में सामने आ रही है, आखिरकार वो बातें है क्या, क्या उसमें सच्चाई है। और हम चाहेंगे कि वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे इस चैनल के माध्यम से बता पाएं कि आखिरकार जो बातें या जो विवाद के शक्ल में एक बातें फैलाने की कोशिश हो रही है उसकी सच्चाई क्या है। हम सबसे बात करेंगे, यहाँ पर सारे लोग हैं, सिराज बख्श हैं, यहाँ पे बसंत कौशिक जी हैं, कौशल अवस्थी जी हैं, मनीष मिश्रा जी हैं, सारे लोग वो हैं, सुखनंदन जी हैं जिन्होंने पूरे इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, 8 प्रतिनिधिमंडल जिन्होंने आलोक शुक्ला जी से बातचीत की। और कहा जा रहा है कि उसी वार्ता की कुछ बातें सोशल मीडिया पर लिख कर ये कहा गया कि ये तमाम लोग छल रहे हैं, ठग रहे हैं और ये लोग धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है मेरे सवाल कुछ चुभने वाले हों, लेकिन ये सवाल मैं इन तमाम लोगों के लिए उसी सोशल मीडिया से लेकर आया हूं जिन्होंने इनसे पूछा है। और यकीन हम यही दिलाना चाहेंगे कि इनका जवाब पूरी ईमानदारी से होगा और ये पूरे लोगों को संतुष्ट करेंगे कि आखिरकार जो बातें एक विवाद के रूप में सामने आ रही है उस विवाद में कुछ ऐसी बातें नहीं है, जो सच्चाई है वो सामने रखेंगे। मनीष जी, हालांकि कल काफ़ी कुछ बातें बसंत कौशिक जी ने स्पष्ट कर दी थी कि बातचीत क्या हुई है, पहले तो ये बताइए कि जो कल बातें सामने आई वो क्या था, आखिरकार ये विवाद की शुरुआत हुई कहाँ से, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, हम लोग आंदोलन से लौट जाएंगे, इसको लेकर पहले आप स्पष्ट कीजिए और बिल्कुल इत्मीनान से बताइए। हम चाहते हैं कि बिना किसी तरह के एडिट के हम आपकी बातों को सामने रख सकें, उन तमाम सहायक शिक्षकों को जो आप पर सवाल उठा रहे हैं, आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले बात तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से कि जो भी बातें हुई है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में या सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। और सबसे पहले यह जो वायरल किया गया है और जो साथी ऐसा बोल रहे हैं कि आंदोलन में नहीं आना चाहते, जो भी बातें हुई है वो पहली बात तो वर्ग 3 के हैं ही नहीं। और रहा सवाल कि ये ड्राफ्ट की बातें और जो भी बातें जितना भी बातें हुई वो दूसरे विभिन्न संगठनों के द्वारा, सरकार के कुछ अधिकारियों के द्वारा जो इस आंदोलन का तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ऐसा कोई बात हुआ ही नहीं है। साफ साफ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी वहां पे बातें हुई है और जो भी ड्राफ्ट वाली बातें हुई है, उन्होंने 16,000 करोड़ का जो बनाया था, हम लोगों ने जो बनाया था उसमें जो है 800-900 ऐसा करोड़ जो भी आ रहे थे, लेकिन उसका जो ड्राफ्ट था, सबसे पहली बात यह अंतिम ड्राफ्ट जो है, क्योंकि सरकार ने हमको अपना अंतिम ड्राफ्ट दिखाया नहीं, हम अंतिम ड्राफ्ट दिखाई नहीं है। पहली बात, जब सरकार हमको यह दिखाएगी कि ये आपका अंतिम ड्राफ्ट है, आपको ये मिलेगा, उसके बाद ही हम सरकार को बोलेंगे हम इसके हकदार हैं। क्योंकि जिस हमारे साथ अगर कोई, मान लो हमारे साथ कोई साथी नियुक्त हुआ है, आज वर्ग 2 में है, वर्ग 1 में है, तो हमारा वेतन उतना ही बनना चाहिए कि जितना उनको आज मिल रहा है। क्योंकि पहले ये बात बताइए कि जो ड्राफ्ट वायरल हुआ, आप लोग हमेशा ये दावा करते रहे हैं कि हमारी संख्या 1,09,000 है, तो फिर वो जो ड्राफ्ट दिख रहा था, भले आप बोल रहे हैं कि 6 महीने पहले का हो, या तो उस संख्या को लेकर भी सवाल उठाए गए कि 1,09,000 का दावा करने वाले लोग आखिरकार 35-36-40 हज़ार लोगों को कहाँ गोल कर गए, कहाँ ख़त्म कर दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी अभी हम लोगों ने DPI जानकारी निकाला था, जो आंदोलन को तोड़ने के लिए उसमें संख्या कम कर दिया गया, चूँकि हमारे पास जो है DPI का एक रिकॉर्ड रहना चाहिए, इस आधार पर उसको बनाया गया था। लेकिन मैं अभी भी आपको बता देना चाहता हूं कि प्रदेश में 1,09,000 ही सहायक शिक्षक हैं, DPI के द्वारा इस आंदोलन को तोड़ने के लिए गलत जानकारी प्रस्तुत किया गया है। अवस्थी जी, एक बात हो सकता है, अभी तो अध्यक्ष जी बता रहे थे कि अब कोई वार्ता जो है वो अध्यक्ष के अलावा नहीं करेगा, मैं चाहता हूं कि इसके बाद भले आप लोग उस पर प्रतिबंध लगाएं, क्योंकि आप लोग प्रतिनिधिमंडल में थे, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये बताइए कि जो 2012 के बाद की बात कही जा रही है कि 2012 के बाद जो नियुक्त हुए लोग हैं उनको 2800 ग्रेड पे की बात की जा रही है, अभी मैं थोड़ी देर पहले गया था तो जो 2012 वाले जो शिक्षक थे उन्होंने ये सवाल उठाया कि यही शर्तें जो थी वो संविलियन के वक्त में भी थी जिसमें वो छले गए थे, अब जब अपना कहकर फेडरेशन के लोगों ने उन्हें जोड़ा तो फिर वो क्यों ठगे जा रहे हैं, क्यों 2012 वाले वक्त के लिए बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्हें 2800 का ग्रेड पे मिलेगा। आंदोलन का अभी 16वां दिन है, आंदोलन जो है एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जब संघर्ष दूसरी ओर जा रहा है। आज हमको जो हम जो संघर्ष कर रहे हैं उसको हमको मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करने का कोशिश किया जा रहा है, इसमें हमको हमारे संगठन को भ्रम फैला करके और नई नई बातें बता करके संगठन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, पदोन्नति हो या इस प्रकार का जो
ड्राफ्टिंग हो, इसके जरिए आप ये बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ड्राफ्ट बनाने का काम किसका होता है? ड्राफ्ट जो सरकार में बैठे हुए पदाधिकारी हैं उनका काम है ड्राफ्ट बनाना। हमारा काम होता तो हम हमारे ड्राफ्ट को यदि मानने को तैयार हैं तो हम ऐसा ड्राफ्ट बना करके देंगे कि उनको देने में मुश्किल हो जाएगी। ये सिंपल साधारण सी बात है। ड्राफ्ट 2012 की जो बात आई कि 2012 को 2800 का ग्रेड पे, क्या ऐसे कोई बातें सामने नहीं थी? ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से भ्रमित करने की कोशिश है आप ये? बिल्कुल बिल्कुल भ्रमित करने की कोशिश है। हम जो है 9342 का मांग कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक शिक्षक को उसका लाभ पहुँचे, केवल 2012 या उससे पहले वाले नहीं, सभी को जितने सर। ये अगर ड्राफ्ट अगर 6 महीने पहले भी था तो क्या उस दौरान ऐसी बातें थी क्या कि 2012 से 18 वाले को 2800 का ग्रेड पे दे दिया जाए, बाकी लोगों को 4200 का लाभ दिया जाए? नहीं नहीं बिल्कुल कभी नहीं था। केवल जब हम लोग एक बार वार्ता में गए हुए थे तो उस समय हमको भ्रमित करने के लिए इस प्रकार का यदि आप ड्राफ्ट बनाते हैं तो इतना लाभ होगा करके वहाँ के अधिकारियों के द्वारा कहा गया था और उसी समय ये ड्राफ्ट बना था, केवल एक एग्जाम्पल के तौर पे बना हुआ था, ये अंतिम ड्राफ्ट नहीं है। और मैं एक बार पुनः कहूँगा कि ड्राफ्ट बनाने का काम हमारा नहीं है, ड्राफ्ट बनाने का काम अधिकारियों का है। यदि वो हमारे ड्राफ्ट को मानना चाहते हैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी अधिकारियों को, सभी मंत्री नेताओं को बोलना चाहूँगा कि हम ऐसा ड्राफ्ट बना के देंगे कि उनको देने में मुश्किल हो जाएगी और उनको देना पड़ेगा यदि इस प्रकार का ड्राफ्ट वायरल कर। भट्ट साहब, आप प्रतिनिधिमंडल में थे, पहले वाले में भी दूसरे वाले में भी, ये बताइए कि एक बातें ये कही गई कि आप लोगों ने तो पहले स्वीकार किया कि वो ड्राफ्ट आपका ही था, लेकिन बाद में जब विवाद की स्थिति बनी तो आप लोगों ने ड्राफ्ट से इनकार कर दिया, इस बात में कितनी सच्चाई है? सत्यन जी, मैं ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये पूरी तरह से भ्रामक है, हमारे साथियों को तोड़ने का है, क्योंकि हम लोग का आंदोलन अंतिम चरण में पहुँच गया है और एक निर्णायक मोड़ में हम लोग पहुँच गए हैं और अपने वेतन विसंगति हम दूर करा करके ही रहेंगे, क्योंकि ये हमारी जो एकता है उसको तोड़ने का ये भ्रामक स्थिति है, बाकी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये भट्ट साहब थे। रंजीत बनर्जी सर, आप भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, आप गए थे, क्या बातें हुई जिसको लेकर अब विवाद की स्थिति बन रही है और ये कहा जा रहा है कि आप लोग ठग रहे हैं, छल रहे हैं और कई सारे लोगों ने तो ये आह्वान कर दिया कि इन लोग आप लोगों को ठगेंगे, इसलिए अब से आंदोलन से वापस जाइए, क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ ये सब पूरा काम अन्य संगठन के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि हमारी भीड़ को देख के, हमारे भीड़ को तोड़ने के लिए इस काम को किया जा रहा है। हम कल भी बोले, आज भी बोल रहे हैं, हमारे में वेतन में विसंगति है और हमारे पूरे सहायक शिक्षक को जब तक के वेतन विसंगति दूर नहीं होगा हम यहां से हटेंगे नहीं और ऐसा कोई बात नहीं है। सुखनंदन जी, संख्या कितनी है? 1,09,000 की बातें हम तो सुनते रहे हैं, लेकिन उसमें जो 71,000 और 73,000 का जो आंकड़ा आया उसने आप लोगों को सवाल कर दिया कि आखिरकार वाकई में संख्या कितनी है सहायक शिक्षकों की? देखिए, हमको जो भी आंकड़ा मिलता है, हमको शुरू में बताया गया 1,09,000 है, लेकिन अभी DPI से जो आंकड़ा निकाल के लाया गया है उसमें 80,000 और 73,000 की संख्या वहां पर बताई जा रही है। अभी सरकार द्वारा जानबूझ के भ्रम फैलाया जा रहा है या सच्चाई क्या है, वो सरकारी आंकड़े सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, हमारे द्वारा तो जारी नहीं किए जाते, तो उसमें सरकार की गलती है उसमें। अच्छा, ये बताइए कि आप वाकई में जितनी विवाद की बात कहेगी कि आप लोग ठग रहे हैं लोगों को, कुछ बातें स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे हैं, इस बातों में कितनी सच्चाई है कि अंदर कुछ और बातें होती है, बाहर कुछ और बातें हो रही है, लिहाजा सहायक शिक्षक भ्रम की स्थिति में है, उसको कुछ क्लियर करना चाहिए कि वाकई में बातें क्या हुई, ये बातें वाकई में आप सहायक शिक्षकों को स्पष्ट करें, क्योंकि कई सारे सहायक शिक्षक तो इसलिए नाराज हैं कि उनको पूरी बातें बताई ही नहीं गई। देखो, उनको सब पूरी बातें बताई जाती है, हम जब भी जाते हैं डेलीगेशन में एक दो व्यक्ति नहीं जाता, हमारे साथ 8 व्यक्ति जाते हैं, 8 से 10 व्यक्ति जाते हैं। बार बार आलोक शुक्ला जी के द्वारा यही कहा जाता है कि सरकार के पास धन का अभाव है, बजट नहीं है, अगर आपकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी तो और भी बहुत सारे संगठन हैं जिसमें 70,000-80,000 उनमें भी लोग हैं तो वो भी यहाँ पर आके बैठ जाएंगे, इसलिए सरकार के द्वारा जानबूझ के भ्रमक जानकारी फैलाई जा रही है। और हमारे लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ, हमारे सहायक शिक्षकों को जानबूझ के, इन्होंने 1600 करोड़ रुपए का जानबूझ के बजट बनाया जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमक स्थिति पैदा हो जाए और सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर ना कर सके और दोबारा सरकार ना आए। ये हमारे कुछ अधिकारियों का षड्यंत्र है और ये किसके इशारे पर किया जा रहा है ये हमको पता नहीं है। बसंत जी, चेहरे कुछ मुरझाए हुए लग रहे हैं, पिछले 13-14-15 दिनों से आप लोगों को मैं देख रहा था, लगातार चेहरे में एक चमक थी, वो कल के बाद से गायब है, क्या वाकई में थकान है या फिर कल का जो एक गतिरोध सामने आया उसकी वजह से चेहरे की चमक गायब हो गई? नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हम 15 दिवस से राजधानी में हैं और घर छोड़ के हैं, चूँकि हम ग्रामीण लोग हैं और शहरी माहौल में 15 दिन, वो भी रात को 12-1 बजे तक वर्किंग टाइम में, तो स्वाभाविक है कि चेहरे में जो चमक है वो उनका मुरझाना
उससे कोई बड़ी बात नहीं है। और निराशा निराशा हमारे बीच में नहीं, हम तो और पूरे जोश से, क्योंकि जिस प्रकार से हथकंडे शासन अपना रही है उससे हमें ऊर्जा मिल रही है, क्योंकि हम मजबूत हैं, इसीलिए किसी के द्वारा तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम स्वागत करते हैं और कुछ भी करना चाहे कर ले, लेकिन हमारा इरादा मजबूत है, हमारी योजना मजबूत है, हम दृढ़ संकल्प के साथ आए हैं और जिस चीज़ को लेने आए हैं उसको लेकर जाएं। बसंत जी, आप बहुत साफगोई के लिए जाने जाते हैं, कल भी आपने मन से जो बातें कही उसे काफ़ी लोगों ने सराहा। हमारे यूट्यूब पे तकरीबन आपकी वीडियो को 15,000 से 20,000 लोग अभी तक देख चुके हैं, लगातार देखने का सिलसिला जारी है। आप पूरी ईमानदारी से बताइए, मैं इसलिए आपके पास पूरी बातों को सुनने के बाद आया कि वाकई में क्या बातें हुई थी, आप स्पष्ट रूप से कीजिए, और ताकि जो अभी भी कोई भ्रम की स्थिति ना रहे। हम ये चाहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद सहायक शिक्षक आश्वस्त हो जाए कि जो बसंत कौशिक ने बोला है, जो प्रतिनिधि मंडल ने बोला है, जो सुखनंदन ने बोला है, जो रंजीत जी ने बोला है, यही सच है, यही अंतिम सच्चाई है। आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से कर दीजिए ताकि भ्रम फैलाने का आगे जो कोई अगर मनसूबा हो तो वो कम से कम कामयाब ना हो। देखिए, डेलीगेशन में जब गए थे तो हमारा आज भी और कल भी और जब तक आंदोलन चलेगा तब तक हमारी केवल एक ही मांग है, हमारी विसंगति को दूर करके समानुपातिक वेतन। और मैं इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँगा समस्त सहायक शिक्षकों को, पूरे ईमानदारी के साथ बता देना चाहूँगा, किसी जगह पे हमने डॉक्टर साहब के पास 2800 ग्रेड पे की बात नहीं की है। जो भी मैसेज वहाँ दिया है लिखित रूप में कुछ और है और उसके पीछे अलग कहानी है। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतने बड़े अधिकारी जिनके द्वारा आज इस चीज़ को वायरल करने की आवश्यकता पड़ गई, उनकी क्या मनसा है ये अधिकारी जाने। लेकिन मैं कड़ी निंदा करता हूँ कि अगर उन्होंने इस प्रकार की भ्रामक स्थिति पैदा करने वाली जो चीज़ें वायरल की है उनके लिए वो जिम्मेदार है। और सहायक शिक्षक थोड़ा भी भ्रमित नहीं है, सब लोग समझ चुके हैं उनकी बातों को और एकजुटता के साथ और प्रबलता के साथ इस आंदोलन के साथ जुड़ गए। मैं पूरी ईमानदारी से समस्त सहायक शिक्षकों को कहना चाहूँगा कि यहाँ जितने बैठे लोग पदाधिकारी हैं, वे सभी पदाधिकारी केवल और केवल एक ही बात कर रहे हैं, जहाँ भी चाहे रिटर्न में हो चाहे मौखिक हो, हम वेतन विसंगति को लेकर बात करें, 93-42 से कम किसी को मंजूर नहीं है। हम 93-42 के लिए ही बात कर रहे हैं। और जो बातें वायरल होकर वहाँ चल रही है वो शासन में बैठे लोग स्वयं कह रहा है कि 1600 बजट है, इससे कम होता तो पूरा कर देते। अगर ये वास्तविकता होती तो आज हमारी मांग वो पूरा कर देते और हम लोग चले जाते। सर, ये बताइए कि जो 2012 की बात की गई, 2800 ग्रेड पे की बात, ऐसा आप बता रहे हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव आप लोगों की तरफ से दिया ही नहीं गया था, वो पूर्व की कुछ ऐसी बातें थी जिसको वायरल किया जा रहा है। क्या आप ये आश्वस्त सहायक शिक्षकों को करेंगे कि जो ग्रेड पे 12 साल 18 साल 20 साल 23 साल की नौकरी कर चुका है उस सहायक शिक्षक को मिलेगा, वो 2012-13-14 जबके बाद मतलब नए शिक्षकों को भी उतना ही वेतन मिलेगा, कोई साल का बंधन नहीं होगा, साल का बंधन अगर सरकार देगी तो आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्या आश्वस्त या ऐसा कोई आश्वासन आप अपने सहायक शिक्षकों को देना चाहेंगे? जी, मैं इस पर पूरा प्रकाश डालना चाहूँगा कि जो बातें हो रही है ये सम्माननीय काबरा साहब जी के साथ आज से 3-4 महीने बातें हुई, और वो बातें किस परिप्रेक्ष्य में हुई ये बता देना चाहूँगा। आपके वेतन की विसंगति को दूर करने के 2 से 3 से 4 तरीके हो सकते हैं, उनमें से ये तरीका भी है। ये केवल बातचीत तक ही रही, और वेतन विसंगति या वेतन उच्चतर वेतनमान कैसे दिया जा सकता है उस परिप्रेक्ष्य में किया गया था। लेकिन आंदोलन, जब से आंदोलन शुरू हुआ है, जब से हम आंदोलन में आए हैं, हम किसी भी प्रकार से 2800 की बात नहीं किए हैं, ना करेंगे। और आप जो चीज़ आप जानना चाह रहे हैं कि वर्ष बंधन, हम किसी भी प्रकार का वर्ष बंधन नहीं चाहते। हम सहायक शिक्षकों के लिए एक अलग सा वेतनमान चाहते हैं, एक अलग सा पे मैट्रिक्स चाहते हैं, जो कि हमने डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब को भी बोल दिए, और उनके द्वारा भी ये कहा गया कि पे मैट्रिक्स बदलना 2 दिन का काम है। तो हमने भी कहा कि ऐसा पे मैट्रिक्स बनाइए जो शिक्षक, व्याख्याता और सहायक शिक्षक इनके बीच में समानुपातिक वेतन को दे सके, बस हमारी यही बातें हुई। 1,09,000 और फिर 73,000 का पूरा आंकड़ा, ये कई सारे लोगों को सवाल पैदा कर रहा है। कई सारे लोगों ने हमें ये कहा कि जो प्रमोशन में आएंगे उनका आप लोगों ने संख्या घटा दिया है, अब ये तो समझ में नहीं आया, क्योंकि जब मैं आंकड़ा देख रहा था तो उसमें 95-96 वाले लोगों का भी आंकड़ा था। जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने जो प्रमोशन पाने वाले लोग हैं उनका आंकड़ा तो नहीं घटाया था, अगर प्रस्ताव दिया गया होगा तो। मैं अगर मगर की ही बात कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में ये सर आंकड़ों का जो ये खेल आया, कैलकुलेशन में गलत, आंकड़ों में गलती, ये चीज़ों को लेकर आप किस तरह से समझा रहे हैं?
मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि वही अधिकारी हैं जब हम उनके पास जाते हैं तो ये कहते हैं कि आपकी संख्या 1,09,000 है और भारी संख्या होने के कारण आपकी मांग पूरी नहीं होती क्योंकि आपकी वित्तीय भार बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आज ऐसे उस आंकड़े में हेर फेर करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? क्योंकि सत्येन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको सहायक शिक्षक के कुल सहायक शिक्षक की जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? DPI से प्राप्त करेंगे, मंत्रालय से प्राप्त करेंगे। जो आंकड़े हमको दिए गए थे उन आंकड़े पे हम बात करते थे कि हमारी संख्या 1,09,000 है और उसी आंकड़े पे अधिकारी भी बात करते थे कि आपकी 1,09,000 की संख्या है। तो आज उस 1,00,000 को 81,000 और 75,000 करने का खेल क्यों खेला जा रहा है, वो अधिकारी महोदय से पूछ सकते हैं। सिराज जी, आप बहुत आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं, आपकी चर्चा इसी रूप में होती रही है, आप उन्हें क्या जवाब देंगे जो कल एक ऑडियो वायरल किया गया मनीष मिश्रा जी का, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि 10 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर आप लोगों को 4200 का ग्रेड पे मिलेगा। तो ये बातें आखिरकार, पहले कुछ संगठन के लोग तो क्रमोन्नति की बात कर रहे थे कि क्रमोन्नति मिल जाए, आप लोगों ने कहा नहीं, क्रमोन्नति हल नहीं है, वेतन विसंगति हल है। तो फिर पुराने और आपके संगठन में यह फासला रह कहाँ गया? यही फर्क तो वही रह गया ना। अगर 10 साल के बाद अगर उनको क्रमोन्नति मिलेगा तो उन पुराने संगठन या जो दूसरे संगठन इसकी बात कर रहे थे उनकी बात में भी सच्चाई थी तब तो। देखिए सत्येन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुराने संगठन और अभी के संगठन में जमीन और आसमान का अंतर है। हम लोग की नीति और नियत साफ है। ये आंदोलन की परिणति क्यों हुई, ये आंदोलन क्यों किया गया? सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्रमुख शिक्षा सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला जी से पूछिए कि अंतर विभागीय कमेटी जो बनाई गई उसका मसौदा कहाँ है। हम लोग डेलीगेशन में भी गए तो हमारा पहला प्रश्न ये था कि माननीय महोदय, आप पहले बताइए जो 3 IAS अफसर जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, आपने हमारे लिए क्या चुना है? वो पुरानी बातें करते हैं, हमारे वो साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से पूरे विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, कोई ऐसे लेटर से या ऐसे कोई दिग्भ्रमित करने से वो लोग भ्रमित होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, दुकानदारी करने वाले लोग नहीं हैं। ये जो हम संघर्ष कर रहे हैं इसमें हर एक सहायक शिक्षक का पसीना है। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग हमारे पदाधिकारियों से पूछते हैं कि आप लोग जो मसौदा तैयार किए हैं क्या शासन हमारे बनाए के अनुसार हमको देगा, कि जो कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल के हस्ताक्षर से जो जारी की है अंतर विभागीय कमेटी, उसके मसौदे से हमको मिलेगा? तो जिनको देना है आपको प्रश्न उनसे करना चाहिए। और साथ ही मैं अपने साथियों को ये बताऊंगा कि हम लोगों की मांग केवल एक है कि वेतन विसंगति का निदान होना चाहिए, हर एक सेवक जो हमारे साथी हैं उनकी सेवा का सम्मान होना चाहिए, हर एक सहायक शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए पूरी जवाबदारी और ईमानदारी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। और यहाँ पर वो लोगों की नींद हराम हो गई है जो लगातार यहाँ पर 16 दिन तक जो हमारी जो भीड़ देख रहे हैं उनको बेचैनी महसूस हो रही है, कहीं ये लोग वेतन विसंगति का हल तो नहीं करवा लेंगे, वह लोग भ्रमित कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि हमारा जो मसौदा एक तो जो आप बता रहे हैं कि जो वायरल हुआ है जिसमें 12 से 18 के बीच में भ्रमित किया गया है, तो अभी वहाँ यहाँ पर वो मसौदा आना चाहिए जो अंतर विभागीय कमेटी ने जारी किया था। क्या वो वायरल हुआ है? वो वायरल ही नहीं हुआ है तो लोगों को भ्रम में डालने की आवश्यकता ही नहीं है। लोग शिक्षक हैं, सब समझते हैं ठगने वाले कौन हैं और अपने कौन हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सारे सहायक शिक्षक हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ऑडियो भी वायरल हो रहा है, क्या कौन ऐसा कर रहा है, ऐसा किस कौन लोग हैं ऐसे जो आप लोगों की एकता को तोड़ रहे हैं? बिल्कुल ऑडियो वायरल हो रहा है। हमारे प्रांताध्यक्ष जी बहुत सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी हैं, एक आम सहायक शिक्षक से भी वो बात करते हैं। निश्चित रूप से हमारा आंदोलन 3 साल से चल रहा है, हम लोग 3 साल से इसमें लगे हुए हैं, अलग अलग समय में हम लोगों ने अलग अलग तरीके से वार्ता की, जैसा जैसा उन लोगों ने कहा कि इसका हल कैसे निकलेगा तो हम लोगों ने अलग अलग मसौदा दिया। हमारे हिसाब से वो लोग बोले कि आप क्या बनाना चाहते हैं, हम लोग ने बना के दिया, वो पूरी पुरानी बातें थी। अभी जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं वो सिर्फ वेतन विसंगति के निदान के लिए, हमारा जो वेतनमान है जो तय किया गया है 5200-2400 जो है उसको परिवर्तित करने के लिए लड़ रहे हैं। और हमारा निश्चित रूप से हमारी मांग यही है कि हमारे को 93-42 मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ये अंतर विभागीय कमेटी तय करेगी। हमारे यहाँ मनीष मिश्रा जी के बोलने से तो मिल नहीं जाएगा, या बसंत कौशिक जी बोल देंगे कि ये वाला हम तैयार किए हैं तो वो मिल जाए। सिराज जी, बस ज़्यादा लंबा वक्त हो गया, आप लोग का कार्यक्रम भी चल रहा है, एक एक शब्द में सबसे बात कर लेंगे हम। जो कल सोशल मीडिया में वायरल किया गया वो गलत है, हड़ताल नहीं टूटेगी, कोई किसी तरह का फूट या किसी तरह का मनमुटाव किसी के बीच में नहीं है। बिल्कुल हमारी नीयत और नीति साफ है। हम लोग ये आंदोलन को इसलिए कर रहे हैं कि हमारे अंतिम पंक्ति के बैठे हुए हर एक सहायक शिक्षकों को न्याय मिले,
कहीं पर भी हमारे साथी दिग्भ्रमित नहीं होंगे, वो लोग पहले से चले हुए लोग हैं। हम लोग वो लोग हैं जो वर्ष 2013 में चले गए, उसके बाद 5 साल और विश्वास किए, 2018 में भी चले गए। तो इतने छले हुए लोग तो दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। तो हम कल का सर जो वायरल हुआ वो गलत है ना? बिल्कुल, हम लोगों में ऐसी कोई बात नहीं, ना हमारे पास कोई टेलीफोन आ रहा है। हमारे जो हमारे से जुड़े साथी हैं वो जानते हैं कि बसंत कौशिक, सिराज बख्श, मनीष मिश्रा आईने की तरह साफ है, जो है वो दिखाते हैं। कहीं पर भी कोई भी हमारे मन में या हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। आने वाला समय बता देगा, अगर हम गलत करेंगे वो सबको दिखेगा। बसंत जी, 9342 से कम नहीं, कल का जो ड्राफ्ट आप लोगों का वायरल हुआ है, कहा जा रहा है कि आप लोगों की तरफ का प्रस्ताव है, क्या उसमें सच्चाई नहीं है? किसी तरह का मनमुटाव, किसी तरह का कोई गतिरोध नहीं है? कल का ड्राफ्ट जो वायरल हुआ है उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि वेतन विसंगति दूर हो और प्रत्येक सहायक शिक्षक को 9342 का पे स्केल मिले, 8वां जो स्लेब है उसका लाभ मिले, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सर, कल जो वायरल हुआ वो सच नहीं है, बिल्कुल झूठ है, भ्रमित करने की कोशिश है? पूर्ण रूप से भ्रमित करने की कोशिश, क्योंकि अब जानकारी मुख्यमंत्री जी तक पहुंच चुकी है, ये बताना चाहूँगा। अधिकारियों से निकल के मुख्यमंत्री जी तक पहुंच चुकी है, अधिकारी अपने आप को बचाने का इसमें प्रयास कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को पूरी सच्चाई पता चल चुकी है और वो बहुत जल्दी इसमें संज्ञान लेंगे। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी को इसमें जल्द संज्ञान लेना चाहिए। हम शिक्षकों को अपने स्कूल भेजना चाहिए अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। रंजीत जी, जो झूठ फैलाने की आप लोग बात कह रहे हैं कि वो जो ड्राफ्ट जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ वो झूठा था, वो पूरी तरफ झूठा है। सरकार चाह रही है फूट डालो के राज करो की नीति कर रही है, हमारे भीड़ को देख के पूरा झूठा है ये बात। सर, जो कल जो वायरल हुआ वो पूरी तरह से झूठ है? बिल्कुल झूठ है सर। ओके, पूरी तरह से वो झूठ है और फ्रॉड है। कोई प्रस्ताव नहीं है हमारे तरफ से, सब पूर्ण जो है जो भी होगा मनीष भाई के नेतृत्व में, अब वही हमारी अगुवा है, वही हमारी सब बात को निर्णय करेगा, किसी प्रकार से कोई भ्रामक की स्थिति नहीं रहेगा। तथ्यहीन है वो। सर, आपसे दो सवाल लेना था इसीलिए मैं लास्ट में आया, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा बात को। आपका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, कहा यह जा रहा है कि आपने उसमें स्वीकार किया है कि वो मेरा ही ड्राफ्ट है, 10 साल के बाद वेतन विसंगति है वो 9342 में पूरा हो जाएगा, आप लोगों की मांग पूरी हो जाएगी, इस बात पे आप क्या कहें? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोगों ने हमारा ड्राफ्ट बनाने के पहली बात तो काम ही नहीं है, उसके बाद भी उन लोगों ने वहाँ के सचिव लोगों ने बोला था तो हम लोगों ने 9342 तक पहुँचा कैसे जाए? मान लो कुछ साथी छूटे हैं तो उनको कितने दिन मिल जाएगा? वो एक मसौदा है, वो किसी प्रकार का कोई अंतिम हमारा ड्राफ्ट नहीं है। और दूसरी बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले हम सभी प्रांतीय और जिलाध्यक्षों की एक बैठक हुई है जिसमें सभी जिलाध्यक्ष प्रांतीय पदाधिकारी उपस्थित थे, सभी ने एक सुर से यह बात कही है कि हमको 9342 लेना है, या आंदोलन जो है तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूर्ति नहीं हो जाती। कल जो ड्राफ्ट वायरल किया गया कथित रूप से आप लोगों का दिया गया प्रस्ताव था, पूरी तरह से झूठा, पूरी तरह से गलत है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई प्रस्ताव आप लोगों ने नहीं दिया शासन के समक्ष। हमने जब विभिन्न प्रकार के जब उन्होंने बहुत पहले की बात है, पहले हमने जो है 9342 का दिया था, उसके बाद जो है समतुल्य वेतन मान कर दिया था, फिर समय मान वेतन मान कर दिया था, और ये भी एक शिक्षा विभाग में एक आदेश आया था 2017 में, और उसमें स्पष्ट उल्लेख ही थे कि जो शिक्षा विभाग में रहेंगे अगर उनकी 10 साल से हो जाती है तो समय मान वेतन मान के आधार पर 9342 मिलेगा, उस आधार को मान के दिया गया था। लेकिन यह कोई अंतिम ड्राफ्ट नहीं, अंतिम ड्राफ्ट तो तभी हम सरकार को पेश करेंगे जब वो कमेटी अंतिम ड्राफ्ट हमको दिखाएगी, उसके बाद ही फेडरेशन अपना पत्ता खोलेगा और ड्राफ्ट प्रस्तुत करेगा। यह भी एक जो है साजिश का हिस्सा है। और सर, आंदोलन जारी रहेगा क्योंकि कई सारे लोग यह आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग ठग रहे हैं, आप लोग झूठा आश्वासन दे रहे हैं, ऐसे में अब हड़ताल से वापस लौट जाना चाहिए, क्या कहेंगे? कई सारे लोग जो ये कर रहे हैं, पहले उनसे पूछा जाए कि वो सहायक शिक्षक है कि नहीं है, और दूसरी बात उनसे ये पूछा जाए कि आपको जो है बताया गया वो किसने बताया, और जो कल वायरल भी हुआ था वो किसके माध्यम से हुआ है, वो माननीय हमारे जो विभाग के मुखिया होते हैं उनके द्वारा इस प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, उसका कोई आम सहायक शिक्षक या फेडरेशन का कोई सदस्य वायरल नहीं किया है, अगर ऐसा किया होगा तो आप बताएं। तो जो कल रात से विवाद का बम फूट रहा था, हम उन तमाम फेडरेशन के उन प्रतिनिधिमंडल से बात करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार जिस वार्ता के बाद ये पूरा गतिरोध सामने आया और ये आरोप लगा कि ये तमाम शिक्षक फेडरेशन के लोग जो गए थे अंदर खाने कुछ और बातें हुई, ड्राफ्ट कुछ और दिया गया, 2012 के बाद जो नियुक्त हुए शिक्षक हैं उन्हें छलने का प्रयास किया गया, उन्हें ठगने का प्रयास किया गया, उसमें कितनी सच्चाई है? और सबसे बड़ी बात तो यही कि जो ड्राफ्ट सोशल मीडिया में वायरल हुआ उस वायरल ड्राफ्ट की सच्चाई क्या है? तमाम लोगों से हमने बात की, तमाम लोग जो प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे उनसे बात की, और सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि किसी भी तरह का कोई ड्राफ्ट
फेडरेशन की तरफ से नहीं दिया गया है। जो बातें कही गई या जो ड्राफ्ट दिखाया जा रहा है वो बहुत पुराना है, लिहाजा उसे नए तारतम्य में वायरल कर भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। और सीधा आरोप है कि कई सारे अधिकारी, विभाग और संगठन के लोग इस तरह की गतिविधियों में लगे हुए हैं ताकि सहायक शिक्षकों की जो एकता है उसे तोड़ी जा सके। नमस्कार, आज बस इतना ही। अगर आपने अभी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर सही और जरूरी खबर शिक्षकों से जुड़ी हुई आपको इसी चैनल पर मिलेगी। नमस्कार।